वहीं खंडवा के इमलीपुरा में शखर तालाब में शाम को नहाते समय तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल तालाब में चार से पांच बच्चे पानी में नहा रहे थे, इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए। तभी किनारे पर बैठे युवक की नजर उन पर पड़ी, वो बच्चों को बचाने पहुंचा लेकिन बचा नहीं पाया। तीनों बालकों के डूबने की खबर फैलते ही पुलिस और होमगार्ड का बल मौके पर पहुंचा और बच्चों की तलाश शुरू की। पानी कम करने के लिए जेसीबी से तालाब में नाली की खुदाई कर पानी निकासी का रास्ता बनाया गया। इसके बाद शाहनवाज और मोइन का शव कुछ ही देर में पानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उबेद का शव करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जा सका। हादसे के बाद लोगों में नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। इधर हादसे के बाद प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि खंडवा में तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये सभी बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ है।